मामा क्या कर रही हैं? मैं तैयार हो रही हूँ। कहीं जा रही हैं? हाँ अभी मैं बताती हूँ कहाँ जा रही हूँ। टॉप्स पहन लूँ जरा, कभी पहने ही ना, पहना ही नहीं जा रहा। आपका ड्रेस बहुत अच्छा है। ये रात को स्टिच होकर आई है, इसके साथ ऑर्गेंजा का दुपट्टा है ना। और मामा सबसे बड़ी बात, आप पे सूट भी किया है अच्छा ये माशाल्लाह। अलकरम का है और इस दुपट्टा आजकल चले हुए ऑर्गेंजा, देखने में बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत दुपट्टा है इसका। मुझे दुपट्टा ही अच्छा लगा है, लेकिन मजे की बात ये है इसका दुपट्टा अच्छा लगा और मजे की बात ये मुझसे कैरी नहीं हो रहा बिल्कुल भी। देखो जाया ये डिजाइन है मेरे ट्राउजर का, बहुत प्यारा लग रहा है। ये आप इस तरह भी कैरी कर सकते हो ऐसे करके ना, आप दुपट्टा इस तरह करके ले लो आप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खुश होंगे। आइए मैं वीडियो लेकर आई हूँ। मैं कहीं जा रही थी, रेडी हो रही थी, तो हमने सोचा चले एक छोटी सी वीडियो बनाने। थैंक मामा आपकी रिंग बहुत प्यारी लग रही है आप पे। यू बेबी। हाँ जी ये देखिए मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है, कितना जबरदस्त इसका दुपट्टा है। थोड़ा नीचे कर दो रिंग लाइट। ये देखें ये इसका ट्राउजर है, ये इसका ड्रेस है, ये मुझे गिफ्ट मिला था मेरी बर्थडे पर। हाँ जी आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ, मैं रेडी होकर जा रही हूँ। अच्छा आपको मेरे टाइटल से पता चला होगा तो मेरा टाइटल क्या है कि आज मैं गई अपने हस्बैंड की शादी पर, वो आ कुछ यूँ, वो आ कुछ यूँ कि ना आज मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा मैंने कि अल्लाह माफ़ करे मेरे हस्बैंड की शादी हो रही है और मैं ना रेडी हो रही हूँ बड़ी खुशी खुशी जाने के लिए। जब मैं उठी मैं बहुत परेशान, मैं बहुत परेशान, मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया तो मेरे हस्बैंड बहुत कह के मार मार के रहते ना, तो मैंने अपने हस्बैंड को पता क्या कहा, मैंने अपने हस्बैंड को कहा आप दूसरी दो शादियां करें, तीन करें, चार करें, जितनी भी करें, आपको मेरे जैसी बीवी मिल ही नहीं सकती। सही बात। ये थी और मैं ये रेडी हो रही हूँ जाने के लिए, फंक्शन है रिलेटिव्स में उसके लिए। आ गया, एक घंटा हो गया था इसको ऑर्डर किया हुआ था। ओके ओहो ये कौन सा फ्लेवर रख किया था? अरहम स्मोक व्हील स्मोकी। था। अच्छा इसका फ्लेवर ऐसा लग रहा है जैसे बारबेक्यू वो नहीं होता बेबी चिप्स है उसकी तरह लग रहा है, वरना फजीता और बारबेक्यू तंदूरी सब किया हुआ है, टोटली डिफरेंट है, ट्राई करना चाहिए। कैसा है? बहुत टेस्टी लग रहा है मामू। आई टेस्ट तो करके दिखाए। अभी मैं करूँगी अरहम, वो मैं ऊपर कपड़े आज वॉश किए थे ना वो मैं लेकर आती हूँ, फिर मैं करके दिखाती हूँ। हाँ जी ये मैं आपसे ये चीज़ शेयर करने लगी हूँ, ये मैं गई मार्केट में, मैं आपसे ये शीट मास्क शेयर करती हूँ, ये क्या कहते हैं इसके रिवाज के, तो ये एक न्यू शीट मास्क आया हुआ था ये देखें। ये है रोज़ का और इतना प्यारा इसका रिजल्ट है, ये मैंने कल की है और बहुत ही अच्छा मुझे लगा, वरना मैं लाती थी ये सिल्वर वगैरह के ना शीट मास्क, तो मैं इसका लेकर आई हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। आप भी यूज़ करें और बताइएगा फिर इसका कैसा है। ये आप अप्लाई करके 15 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद जब आप शीट मास्क ऊपर से शीट हटा देंगे, शीट हटा के ना तो आप ये रब कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट आया था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, न्यू चीज़ थी, मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और जो मैंने आज ख्वाब देखी अल्लाह करे किसी की लाइफ में इस तरह ना हो, बहुत ही डरावनी ख्वाब हो कि अगर कोई औरत ये ख्वाब देखे कि उसके हस्बैंड की दूसरी शादी हो रही है
और जो फर्स्ट वाइफ है वो शादी पे जा रही हो, मैं तो बताओ आराम कैसा लगता है? बहुत बुरा। मैं आपको पता है मैं बहुत उदास हूँ। क्यों? क्योंकि असेसमेंट पर स्कूल में होनी थी, घर में हो रही है, ऐसे पता क्या चलेगा कौन लाइक है कौन लाइक है। हाँ एक और बात, ये छुट्टियाँ बच्चों की बढ़ गई हैं, ये मंडे से स्कूल ओपन होने थे, आप फिर 3-4 दिन इंक्रीज कर दिए डे, तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं वो इसलिए क्योंकि उनके असेसमेंट स्टार्ट, तो बच्चे बहुत अच्छी माशाल्लाह तैयारी कर रहे थे। अब मेरी बेटी और बेटे को फिक्र ये है कि मामा जो नालायक होंगे वो भी घर में शूटिंग करके कर लेंगे। मैंने कहा बस अल्लाह पर छोड़ दो और अल्लाह बस जो भी करे बेहतर करे और जल्दी से कोरोना चला जाए, बस यही दुआ है। और आप बताएगा आपको मेरी ये वीडियो छोटी सी कैसी लगी, अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सबको अपनी सामान में रखे, हर बुरी नज़र बुरी बीमारी से बचाए और बस चिल करें एंजॉय करें, छोटी सी लाइफ है, आप जितना एंजॉय कर लें उतना अच्छा, अपनी फैमिली के साथ कोशिश करें कि आप अच्छा सोचें अच्छा खाएं और नेगेटिविटी से दूर रहें, जितना आप पॉजिटिव होंगे उतना ही आपके लिए अच्छा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।